करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.5। प्रश्नावली 1.5 में जो प्रश्न है वो सूत्र एकाधिकेण पूर्वेण एवं अंत्योर्धस्केश पी के प्रयोग से हल कीजिए तथा बीजांक से जांच भी कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, बीजांक तो ज्ञात करना ही करना है, साथ ही साथ यहाँ पे देखो अब सूत्र में क्या लग गया है, सूत्र जो है एकाधिकेण पूर्वेण है और इसमें एक और है साथ में जुड़ा हुआ है अंत्योर्धस्केश पी, तो इन दोनों के प्रयोग से हल करेंगे इस बार। तो प्रश्न वाले 1.5 को हल करते हैं। तो इसमें एक प्रश्न है, एक इसमें प्रश्न लेते हैं, तो प्रश्न लेते हैं, पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न 13 × 17, ठीक है, 13 × 17 इस तरह से दिया है, और विधि कौन सा लगाएंगे, एकाधिकेण पूर्वेण, ठीक है, आप लिख लेना है एकाधिकेण पूर्वेण विधि, और क्या है एक अंत्योर्धस्केश पी, तो ये दोनों विधि को उपयोग करेंगे। तो हम इन दोनों को विधि का अब उपयोग करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, ये हो गया, क्या हो गया, ये बायां भाग और ये दायां भाग, ठीक है, इससे पहले प्रश्नावली में भी हमने इसी तरह से दायां भाग और बायां भाग लिए थे, ठीक है, बायां भाग और दायां भाग, तो अब क्या करेंगे, बायां भाग लगाएंगे, ठीक है, बायां भाग से, तो बायां भाग ले लो। बायां भाग में क्या करेंगे, जो बायां भाग है उसमें देखो ये क्या है, 2.5 अंक है, ये इकाई 3 है और 2.5 कितना है, 1 है, तो इस 2.5 में एकाधिकेण लगाएंगे। एकाधिकेण का मतलब क्या है, एक अधिक करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, एकाधिकेण का मतलब होता है एक अधिक, जैसे ये 1 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2, ठीक है, मैं यहाँ राइट लिख रहा हूँ, एकाधिकेण का सूत्र का उपयोग हो रहा है, तो ये हो गया 1 से 2 हो गया, एक आगे बढ़ गया। उसके बाद गुणित करना है आपको, और क्या लगाना है यहाँ पे, यहाँ पे इस 1 को अब वापस जो का तो लिख लेना, इसी 2.5 अंक को, ठीक है, 2.5 में ही हम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोनों 2.5 में एक वृद्धि, ठीक है, एक की वृद्धि, उसके बाद क्या किए थे, इस गुणित को किया था गुणित, और ये क्या हुआ, 2.5 को ज्यों का त्यों, ठीक है, 2.5 को, 2.5 को ज्यों का त्यों, ठीक है, 2.5 को ज्यों का त्यों लिख दिए, तो ये हो गया। यहाँ पे क्या किए, देखो 2.5 में एक की वृद्धि, मतलब ये देखो बायां पक्ष है, बायां पक्ष के 2.5 कितना है, 1 है, 1 में एक की वृद्धि किया तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, और उसके बाद 2.5 को ज्यों का त्यों, मतलब जैसा 2.5 एक यहाँ पे दिखा वो वही को उसको हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, कितना हो गया, अब गुणा कर दो, 2 × 1 = 2, तो 2 आ गया। अब क्या करेंगे, दायां भाग लेना है, अब लेंगे दायां भाग, दायां भाग, दायां भाग में क्या करेंगे, दायां भाग में अब जो बचा है हमारे पास, ये इकाई और ये इकाई, दोनों इकाई इकाई है, तो इकाइयों का गुणा, चलो इकाइयों, यहाँ पे लिखना है इकाइयों का गुणा, ठीक है, इकाइयों का गुणा कर देते हैं, तो इकाई कौन सा है, 3 है, 3 × 3, और ये क्या है, 7 हो गया, 7 × 14 = 21 आ गया। अब इसका आंसर देख लेते हैं, ये कितना है, 2 और ये 21, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 221। ये 2 देखो बायां पक्ष में 2, तो बायां पक्ष में वाले साइड वाले में लिख दिया, और दायां पक्ष में 21 है, तो ये दायां पक्ष वाले भाग में 21, तो ये आ गया 221। अब उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच कैसे करेंगे, जैसे हमने इससे पहले जो प्रश्नावली था उसमें जैसे हमने किया था वैसे ही यहाँ भी हमने साइड में कर लेते हैं, ठीक है, उत्तर की जांच करते हैं, चलो उत्तर की जांच पहले जैसे हमने किया तो वैसे ही। अब क्या करेंगे, देखो ये पहला वाला संख्या और दूसरा वाला, पहले बायां वालों को लेंगे और दायां वालों को दूसरे पाल लेंगे, तो ये बायां वाला यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये पहला संख्या क्या है, डायरेक्ट करते हैं 1 + 3 कितना हो गया, 4, और 1 + 7, अब बायां, अब देखो दायां वाले भाग को लिखते हैं 8, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, 4 × 8 कितना हो गया, 8 × 32, यहाँ पे और कर दो 3 + 2 कितना होगा, 5, ये आ गया 5, ठीक है, अब उत्तर को ले लो, तो 2 + 2 + 1 कितना होगा, 5, तो यहाँ पे देखो 5 और 5 आ गया, मतलब ये क्या है, उत्तर की जांच भी सही हो गया, ठीक है, इस तरह से ये हो। अब इनमें से एक और प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न दूसरा ले लेते हैं, चले चलो एक अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 ले लो।
उसका नाम ले लो और इसमें लेते हैं 9 1 * 9 9, ठीक है, 9 * 9 9 1 * 9 9, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे। देखो यहाँ पे है बायां भाग, इसको लिख लेते हैं, ये बायां भाग हो गया दायां भाग, ठीक है, लिखने की जरूरत तो नहीं, आपको आया, समझ में आ गया होगा। तो बायां भाग यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अब बायां भाग में क्या करेंगे, दहाई, द, ठीक है, दहाई में एक की वृद्धि कर देंगे, दहाई में एक की वृद्धि गुणित, उसके बाद क्या करेंगे, दहाई को ले लेंगे, दहाई को लिखने पर, ठीक है, लिखने पर या फिर लेने पर, जो का तो ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो दहाई कौन सा है यहाँ पे, बायां भाग का दहाई यही है, तो दहाई में एक की वृद्धि मतलब 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया, तो ये हो गया 10 गुणित, और दहाई को लिखने पर मतलब दहाई को ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो ये 9 हो गया, कितना आ गया, 90 आ गया। अब बायां भाग, अब लेंगे हम लोग दायां भाग को, दायां भाग में क्या करेंगे, इकाई इकाई को लेंगे, ये इकाई है और ये इकाई है, दोनों इकाइयों को लेने पर, दोनों के इकाइयों को लेने पर, ठीक है, दोनों की इकाइयों को लेने पर, यहाँ पे देखो इकाई कहने एक है और इसका इकाई कितना है, 9 है, कितना हो गया, 9। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इस संख्या को लेता हूँ तो इसमें क्या होगा, कंफ्यूज होगा, कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि 90 और 9 आ रहा है आंसर में, लेकिन हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो 99 नहीं आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, देखो यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे, एक बार हम इन मानों को रखने से पहले एक बार हम क्या करेंगे, इस तरह से गुणा भी करके हम देख लेंगे, 99 ये हो गया। हर प्रश्न को ऐसा करना है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, 9 * 9, ठीक है, इसको हल कर लो, टोटल आंसर कितना आएगा गुणा में, और 9 * 81, ठीक है, यही मान फिर आएगा, 9 * 9, 9 * 81 ये आ गया, तो ये 9 हो गया, 9 * 8 = 10, और ये भी 10, और ये हो जाएगा 9, तो इतना आ रहा है देखो, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, 909 ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इकाई को तो कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे हम दहाई में क्या करेंगे, आगे में देखो इसको, यहाँ पे देखो ये तो ठीक है, ये वाला संख्या हमारा सही आ रहा है, और ये वाला संख्या हम देखो 9 आ रहा है, लेकिन 0 नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। आप इसको पहले इस तरह से हल कर लेना, हर क्वेश्चन को पहले हल कर लेना, उसके बाद इस वाले मान में आपको मान रखना है, अगर मान लो वो मान में कुछ गलती आ रहा है, कुछ फॉल्ट आ रहा है, जैसे ये दोनों मान सही आ रहे हैं, ये वाला मान सिर्फ एक आ रहा है, एक अंक इसमें गायब हो रहा है, तो आप यहाँ पे आगे पे 0 लिख सकते हो, ठीक है, इसलिए मैं इसको इस तरह से बता रहा हूँ। ये हो गया आपका, बन गया, अब तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 ले लिए, ठीक है। अब उत्तर की जाँच कैसे करेंगे, उत्तर की जाँच जैसे हमने इससे पहले वाले प्रश्न में किए थे, वैसे ही आपको इस प्रश्न में भी कर लेना है। अब देखते हैं प्रश्न 3 में, अगर संख्या 104 इस तरह से है, और या गुणित कर दो 100, ठीक है, 104 106, तो इस तरह से अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों को, पहले जैसे मैंने दूसरा में बताया था, प्रश्न दूसरा में, उसी तरह से क्या करना है आपको, इन दोनों को भी गुणा पहले कर लेना है, ठीक है, गुणा करके आप मान निकाल लेना, उसके बाद आप दायां भाग बायां भाग में रखना, अगर कोई डिफॉल्ट होगा तो वहां पे पता चल जाएगा हमारे पास, तो चलो देखते हैं हमें पता चल जाएगा। तो बायां भाग क्या है, आपको समझ में आ गया, बायां भाग हो गया, यहाँ पे देखो इकाई दहाई, तो दहाई और सैकड़ा 3 अंक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में अब लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से देखो, अब हम इन दोनों में से दोनों को ही लेंगे, 1 और 0, ठीक है, 2 अंक था तो हम सिर्फ यहाँ पे, अगर दो अंक रहता तो हम यहाँ पे सिर्फ 0 बस लेते, लेकिन अगर सैकड़ा तक हो गया तो ये दोनों अंक हमारा होगा, तो इसमें एक वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, 10 और 1 = 11, इसको ध्यान से समझना, 10 1 = 11, और गुणित कितना करेंगे, इसी को वापस इसके साथ गुणा कर दो, कितना हो गया, ये हो गया 110। अब दायां भाग में क्या करेंगे, दायां भाग में सिर्फ इकाई को लेना है, तो इकाई कौन सा है, यहाँ पे देखो दहाई दहाई ये दोनों हो गया, दहाई और सैकड़ा छोड़ दो उसको, तो इकाई ये है और ये भी इकाई है, तो 4 * 6 कितना हो गया, 6 * 6 = 24। अब आप इन दोनों को गुणा करके देख लेना कितना आएगा, इतना ही आएगा, इतना आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये दोनों मान हमारा सही है। उसके बाद उत्तर की जाँच कैसे करोगे, उत्तर की जाँच आप
जैसे हमने पहले प्रश्न में किया था सेम वैसे ही आप भी उत्तर की जांच इस प्रश्न में भी कर सकते हैं। एक प्रश्न और देख लेते हैं, चौथा, चलो साइड में कर लेते हैं ये। अगर कैसा हो, 193 गुणित 197 ऐसा कुछ हो तो क्या करेंगे। तो इसमें भी हम वही देखो, बायां भाग ले लो, बायां भाग। और बायां भाग में आपको क्या क्या करना है, बायां भाग में इसमें क्या करना है, 19 से देख की वृद्धि तो 20 हो गया, 20 गुणित 19 कर दो कितना हो गया, 19 शून्य से 19 दूनी 38, ठीक है 380 आ गया। उसके बाद दायां भाग लेते हैं, दायां भाग में इकाई इकाई को लेना है, 9 और 3 को कितना हो गया, 3 और 7 को लेना है, तो 3 गुणित 7, 7 * 21 ये हो गया, तो ये आ जाएगा 380 और ये 21, ठीक है। तो इस तरह से बन गया, अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और उत्तर की जांच पहले की तरह करना है, ठीक है। ये हो गया, ये प्रश्नावली भी कंप्लीट।